हर शब्द का अपना एक मतलब है और हर शब्द का मतलब निकाला जा सकता है और बताया जा सकता है। दर्शन की अगर बात बताऊं तो कौन व्यक्ति किस दृष्टि से क्या देख रहा है। जैसे आपने भागवत का अर्थ बताया, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, वैराग्य और तत्व दर्शन, लेकिन भागवत के और भी कई सारे दर्शन हैं। इन शब्दों से भागवत के कई सारे और भी शब्द निकाले गए हैं और दर्शन निकाले गए हैं। सो ये कोई पर्टिकुलर नहीं है, ये कोई ऑथेंटिफिकेशन के साथ नहीं है कि हमें ये किसी पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी अन्य अन्य जगहों पर मिल जाएंगे। सेम रामायण, लेकिन अगर रामायण का संधि विच्छेद करते हैं अपन, शब्द का ही अगर मतलब की बात करेंगे तो रामायण का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो रामधन अयन। अब रामधन अयन अयन दर्पण को भी बोलते हैं, तो उस रामायण के थ्रू राम को देखना या उस दर्शन को देखकर वैसा हो जाना, आप कैसे देखते हैं? रामचरितमानस या रामायण एक दर्शन है, आप वैसे हो जाएं, मामला ये है। तो रामधन एन का मतलब है कि राम को देखने का, राम को समझने का जो वास्तविक दर्शन है वो रामायण या रामचरितमानस है। हर शब्द के पीछे अपनी एक व्याख्या है, कौन किस तरीके से व्याख्या कर रहा है ये डिपेंड करता है। बट ये ऐसा नहीं है कि किसी ने व्याख्या दे दी सब उसी को फॉलो करेंगे। जैसे एक शब्द है टीम, हमने अंग्रेजी का एक शब्द उठाया टीम, TEAM, इट इज टीम। सो इसके कई मायने हो सकते हैं, लेकिन इसका एक बहुत सुदृढ़ मायने है। जैसे टी फॉर टोटल, ई फॉर एफर्ट्स, ए फॉर ऑल, एम फॉर मेंबर्स। सो टोटल एफर्ट्स ऑफ ऑल मेंबर्स इज टीम, बिल्कुल सही है। सभी लोगों का एक समान प्रयास, एफर्ट्स इज अ टीम, दैट इज व्हाट वी इज ऑलवेज की लाइक टीम वर्क, हम कहते हैं ना टीम वर्क। तो हर शब्द का मायने मेरे हिसाब से अलग हो सकता है, आपके हिसाब से अलग हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि जब हम भागवतम पढ़ें कि तो भागवतम के स्टार्टर में ये आ जाए, महात्म में आ जाए कि भागवत का मतलब ये है, नहीं ऐसा नहीं है। या ये कोई रामायण का मतलब या रामचरितमानस का मतलब ये, ऐसा नहीं है। अब विद्वत जन बताते हैं कि जब बाबा ने रामचरितमानस लिखा तो रामचरितमानस में उन्होंने सबसे ऊपर राम लिखा, फिर चरित्र लिखा, फिर मानस लिखा, ऐसे लिखा था उन्होंने। आजकल तो एक लाइन में लिखा आ जाता है। तो विद्वत जन बताते हैं कि उन्होंने बड़े स्टेप बाय स्टेप लिखा। सो इसके पीछे का रीजन क्या था, राम सबसे ऊपर बिठा दिए, उसके नीचे चरित, फिर मानस। सबसे पहले अपना मानस हमें तैयार करना है उस राम को जानने के लिए, और जब आपका मानस बनेगा तो आपको अपने चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा। आपका मानस ही आपका चरित्र बनाएगा, और जब आपका मानस आपका चरित्र बनाएगा तो ये दूसरा स्टेप हो गया। और चरित्र अगर महान है तो राम कौन से दूर है, ये दर्शन है। तो इसे भी समझना आवश्यक है। सो डिपेंड करता है कि हम कई सारे, अब जैसे भागवतम की आप बात करें तो मैं अलग मायने में प्रोडक्शन लगाता हूँ, भ का मतलब ये, ग का मतलब ये, मैं अलग अलग बात करता हूँ। आपने भी जो बात की अलग, तो इट्स नॉट लाइक दिस कि यही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जिसको जो ज्ञान हो जाए, कब बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाए, कब शब्द निकल जाए, कब ज्ञान निकल जाए, क्या शब्द फूट जाए, वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम। सो ये मायने रखते हैं। धन्यवाद देवी मीरा किशोरी।